बिहार के नालंदा में नूरसराय थाना क्षेत्र के गांव में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की उम्र लगभग 5 से 7 साल थी। बच्चे के पिता का कहना है कि बर्थडे पार्टी के दौरान केक काटने के बाद डीजे की धुन पर सब डांस कर रहे थे, तभी गाँव के कुछ लोगों ने शराब के नशे में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और वहीं पास बैठे बच्चे के सिर पर गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसकी मौत हो गई। बर्थडे में 10-15 राउंड गोली चला, उसमें 4-5 को पिस्टन से चल रहा था छोबा से। अच्छा, उसमें एक गोली धोखा हुआ तो हमारा बच्चा कहा करके लग गया, मौत हो गया। कितने की संख्या में थे वो लोग? ऐसे तो 10 को लड़कन के संख्या में इन्हें उन्हें आव ले ले पिस्टन, लेकिन नजर में हमारा छोबा के जो चिन्ह ली। तो बर्थडे उठे था क्या रहते हैं? हाँ, बर्थडे है। किनके यहाँ? मेरे सुबह पे यहाँ पर पोती थी। तो गोली उसी समय चला? उसी समय केक हुआ कटा, उसको पहले से गोली चल रहा था। कौन गांव में? परमानंद बिहार गांव में। यहाँ बर्थडे है। अच्छा, फिर बर्थडे में कोई उत्सव मना रहा था, सब पी खा करके गोली चला रहा था, फायर कर रहा था। कितना राउंड चला गोली? करीब 10-15 राउंड चला गोली। गोली लगा भी किसी को? हाँ, लग गया हमारे पोता को। तो फिर क्या हुआ? मौत हो गया। तब लोग पी खा लेता क्या? हाँ, पूरा पी ले खा लेता। तो गोली चला रहा था कहाँ? अथी पंडाल में। पंडाल में तो मना उना नहीं किए थे आप लोग? मना करने पर भी नहीं सुना। पंद्रह राउंड फायरिंग करने वाले आरोपी घटना के बाद गांव छोड़कर फरार हैं। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोली लगते ही सब बर्थडे पार्टी छोड़कर चले गए। गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन की जा रही है। घटना की सूचना मिली, हम लोग घटनास्थल पर आके जांच पड़ताल किए हैं। घटना के संबंध में 6 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। हम लोग इसका स्पीडी अनुसंधान प्रारंभ किए। क्या लग रहा है सर, प्रथम दृष्टया मामला? अभी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं सर। हर्ष फायरिंग की बात सामने आ रही है? पूरी तहकीकात हम लोग कर रहे हैं, अनुसंधान किया जा रहा है। छह लोगों को नामजद कर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस छापेमारी कर रही है और भरोसा दिया जा रहा है कि सभी आरोपी जल्दी ही गिरफ्तार हो जाएंगे।